Good evening, everybody. Let's continue our topic circular motion. मैं circular motion करवा रहा था, उस topic को मैं complete करवाऊंगा. मैंने circular motion का dynamics करवा दिया था और circular motion का dynamics पहले तो kinematics कराया था और उसके बाद dynamics. Dynamics में मैंने यह बताया था कि कोई सी भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है उस बॉडी पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स कॉन्स्टेंटली लगता रहता है एंड दैट फोर्स वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स. और वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वही उस बॉडी की वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है और वही उस बॉडी को रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है और उसी सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की वजह से कोई सी भी बॉडी कॉन्स्टेंटली सर्कुलर मोशन में होती है. अब मैं एक बात बताता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहले सिचुएशन लिखवाता हूं फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन ऑब्जर्व्ड थ्रू अ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, व्हेन ऑब्जर्व्ड through a inertial reference frame. Inertial reference frame, मैंने reference frame बताया था, inertial reference frame वह reference frame है जो non-accelerated है, जो या तो stationary होगी या constant velocity से चल रही होगी. हम कहते हैं यह पार्टिकल है और यह पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है, किसी भी समय पर इसका रेडियस r है, इट्स मास इज m, इट्स वेलोसिटी इज v एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. तो इस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इस पार्टिकल पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है and that force we call it centripetal force. Radial inward acceleration is V R or omega of V omega, and this radial inward force is M into radial acceleration or M V square by R or M omega square R or M ओमेगा. ये मैं बता चुका था. अब इफ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड थ्रू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, now what do you mean by non-uniform circular motion? Non-uniform circular motion means whose velocity does not or linear speed change with time, linear speed varies with time, whose angular velocity varies with time, and if it is observed through a inertial reference frame. यदि हम एक non uniform circular motion करती हुई body को हम inertial reference frame से observe करें, body इस तरह के किसी circular path में है, this is the center और this is the particle, this particle
इज इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, लीनियर स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कहते हैं किसी भी समय पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। किसी भी समय पर इसकी वेलोसिटी वी है और इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी। अब हम जो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर ऑलरेडी लिख चुके हैं और जिनको रिलेट कर चुके हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, बी ओमेगा बाय डीटी इक्वल टू अल्फा एंड डी बाय डीटी ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड दिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा आर। हमने एक बात कही थी कि इस सिचुएशन में इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू या तो हम लिख दें डी बाय डीटी ऑफ टेंजेंशियल स्पीड या अल्फा आर लिख दें, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसके साथ में इसका रेडियल एक्सीलरेशन भी होता है और वह रेडियल एक्सीलरेशन इतना ही होता है वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर वी ओमेगा। इस तरह से इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। नेट एक्सीलरेशन जो इस पार्टिकल का होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू, दिस इज द नेट एक्सीलरेशन। अब हम कहते हैं सिंस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसीलिए इस पार्टिकल पर फोर्स भी, जो नेट फोर्स लगता है वह भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर द पार्टिकल इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सीलरेशन। हम कहते हैं द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज मास इंटू एक्सीलरेशन। एंड दिस नेट एक्सीलरेशन इज द वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सो आई कैन ऑल्सो से दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू दिस वेक्टर सम ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और दिस नेट फोर्स इज एम इंटू ए आर प्लस एम इंटू ए टी। और एम इंटू ए आर दिस इज इन फैक्ट रेडियल फोर्स एंड एफ इन एम इंटू ए टी दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। इसका मतलब है कि ये जो नेट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अलोंग द टेंजेंट और एक रेडियली इनवर्ड। जो रेडियली इनवर्ड कंपोनेंट है दिस इज रेडियल फोर्स, और यह जो टेंजेंशियल है दिस इज एफ टी। दिस रेडियल इनवर्ड फोर्स वंस अगेन दिस इज
the force component which would be called centripetal force, while this Ft is called tangential force. इसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, जो उस पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहा है, जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, जो उसकी लीनियर स्पीड को चेंज कर रहा है, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। यदि अलॉन्ग द वेलोसिटी होगा तो इसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट टू वेलोसिटी होगा तो इसकी वजह से उसकी स्पीड कम होगी। हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि हम किसी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के थ्रू देखेंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो या तो स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विच इज अ नॉन एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, वो उसका एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी समय पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और किसी भी समय पर अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस इज टेंजेंशियल स्पीड एट एनी टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हम दो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट कहते हैं, एक तो रेडियल इनवर्ड कंपोनेंट होएगा, यह जो रेडियल इनवर्ड कंपोनेंट है किसी भी समय पर वही है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दिख रहा है, दिस इज दैट रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन, दिस वुड बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा आर, इसकी वजह से पार्टिकल की टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है, इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। हम कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम होता है नेट एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को वेक्टरिकली ऐड कर दिया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमें यह एरो मिल गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जिस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लगेगा, दिस इज द नेट फोर्स। और हम हमेशा यह कह सकेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, इसका यह मैग्नीट्यूड होएगा और डायरेक्शन बिल्कुल वही जो फोर्स का है, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। हम एक्सीलरेशन की जगह वेक्टर सम ऑफ रेडियल प्लस टेंजेंशियल लिख देंगे, m into ar plus m into at, this m into ar, this is radial force or centripetal force, m into at, this is tangential force or the accelerating force, this is non-uniform circular motion when observed through an inertial reference frame। अब इसके बाद मैं सर्कुलर मोशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका एस्पेक्ट समझाऊंगा, इसे समझना। This is a large circular disc, यह एक लार्ज सर्कुलर डिस्क है, हॉरिजॉन्टल है, लार्ज सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म यू कैन से, एंड इट्स रोटेटिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, with large constant angular velocity omega, this is
लार्ज सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एंड इट्स रोटेटिंग विथ सम लार्ज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट्स rotating with angular velocity omega. Up. This large circular horizontal platform जो omega angular velocity के साथ में घूम रहा है इसके ऊपर यह एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब सबसे पहली बात, क्या यह पर्सन आसानी से खड़ा रह सकता है? नहीं, यह पर्सन आसानी से तो कंफर्टेबली तो खड़ा नहीं रह सकता। यदि यह प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो यह पर्सन कभी भी गिर जाएगा, गिर सकता है, फिका सकता है प्लेटफॉर्म से। अपने आप को बिल्कुल स्थिर तरीके से खड़े रहने के लिए इस पर्सन ने एक रस्सी पकड़ रखी है। यह प्लेटफॉर्म के सेंटर से बंधा हुआ एक पोल है और इस पोल से यह एक रस्सी है। यह पर्सन इस रस्सी को टाइटली पकड़ा हुआ है। यदि यह रस्सी नहीं होगी तो वह पर्सन इस हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर स्टेबल नहीं रह पाएगा, वह खड़ा नहीं रह पाएगा, वह फिका जाएगा। ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू विजुलाइज दिस सिचुएशन। This is person A. अब जो मैं फिनामना बताऊंगा, दैट इज इस रस्सी का टूटना और इस पर्सन का रस्सी के टूट जाने पर टिकाना और उसका गिरना, दैट इज द फिनामना। जब तक यह रस्सी बिल्कुल इंटैक्ट है, बंधी हुई है, तब तक यह पर्सन इस प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म के साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। और जैसे ही यह रस्सी टूटती है, इस रस्सी के टूटने से यह पर्सन ही वुड बी थ्रोन ऑफ द horizontal circular platform and this phenomena is being observed by the observer. Up. Here is one of the observer B, which is on the ground and hence stationary, and hence this would be called inertial reference frame. The another person B, जो कि जमीन पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर है, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम है, इसलिए यह स्टेशनरी है, यह नॉन एक्सीलरेटेड है। इस पर्सन को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग दिस पर्सन ए। अब एक और ऑब्जर्वर बनाता हूं। देयर इज अनदर पर्सन
who is on the same platform, जो बिल्कुल इसी तरह से ए के साथ ही उसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर उसी की तरह से घूम रहा है, एंड ही इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग दिस पर्सन ए. दिस ऑब्जर्वर सी, दिस इज इन द सेम सर्कुलर मोशन. ऑब्जर्वर सी के बारे में लिख रहा हूं, ऑब्जर्वर सी. इट्स इन सर्कुलर मोशन. दिस इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म. दिस ऑब्जर्वर इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट स्टेशनरी, इट्स एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग विथ ए. इट्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Along with A. And since its uniform circular motion along with A, hence it's constantly accelerated in radially inward direction. It's constantly accelerated in radially inward direction. It's constantly accelerated in radially inward direction. और यदि कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सीलरेटेड होता है तो उस रेफरेंस फ्रेम को फिर हम कैसा रेफरेंस फ्रेम कहते हैं? दिस वुड बी कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल रेफरेंस frame. It's non-inertial reference frame. अब सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझो. जो इवेंट है, दैट इज जो ए है, जो पर्सन ए है, जो रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, उसकी रस्सी टूटती है और वह पर्सन ए ही गेट थ्रोन ऑफ द प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म से फेंकाता है और उस पर्सन ए के गिरने को, उस एक्सीडेंट को ऑब्जर्वर बी देखता है. वो कैसे देखता है, क्या देखता है और किस तरह की रिपोर्ट देता है. इसी तरह से ऑब्जर्वर सी वो क्या देखता है, कैसे देखता है और वह किस तरह से इस इवेंट की रिपोर्टिंग करता है, इस बात को ध्यान से समझना. पहले मैं ऑब्जर्वर बी की बात करता हूं. यह ऑब्जर्वर बी, जो कि एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, यह क्या कहेगा? यह कहेगा कि ए ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म एंड दैट सर्कुलर प्लेटफॉर्म वॉज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अलॉन्ग विथ दैट प्लेटफॉर्म द पर्सन ए वॉज इन सर्कुलर मोशन एंड
person, A was in circular motion. Hence, its velocity was constantly changing in radially inward direction. Person A ki velocity constantly radially inward direction mein change ho rahi. Hence, the person A was constantly accelerated in radially inward direction. वहां पर्सन ए कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड था. वो जो पर्सन ए था उसको रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने के लिए रोप का टेंशन था. रोप के ऊपर टेंशन लग रहा था, उसने रस्सी पकड़ रखी थी और यह रस्सी में जो टेंशन था इट वॉज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, द सेंट्रिपिटल फोर्स. और यह जो टेंशन था हमेशा रस्सी की लेंथ के अलॉन्ग था, यह हमेशा रेडियली इनवर्ट था. यह रेडियली इनवर्ट टेंशन ही सेंट्रिपिटल फोर्स है और इसी की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन है. और जब तक उसने रस्सी पकड़ रखी थी तब तक कॉन्स्टेंटली यह सिचुएशन थी और वहां पर किसी तरह की कोई इवेंट नहीं हुआ था. मगर जैसे ही यह रस्सी टूटी, रस्सी के टूटने से रस्सी से मिलने वाला टेंशन दैट वैनिशेस, दैट डिसअपीयर्स. रस्सी के द्वारा मिलने वाला रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल फोर्स दैट डिसअपीयर्स. और उसके डिसअपीयर होते से ही रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऑल्सो सीजेस. उसके बाद उस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी नहीं होता है. उसके बाद उस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज भी नहीं होती है. और वहां पार्टिकल ए, दैट पर्सन ए, ड्यू टू इनर्शिया वह टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस इंस्टेंट पर जो भी कुछ वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी के साथ वहां टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फ्लाई ऑफ, ही वॉज थ्रोन ऑफ विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम टेंजेंशियल डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया. जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी उसका जो डायरेक्शन था उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ए फेंका गया. This would be the report submitted by this observer B, which is a inertial reference frame, जो हमने बहुत अच्छी तरीके से already समझ लिया है. यह रस्सी के टूटने पर इस A को tangential direction में फिकाते हुए देखेगा. और tangential direction में जो फिकाते हुए देख रहा है उसके लिए वो यही कहेगा कि भाई जब तक रस्सी इंटैक्ट थी तब तक रस्सी के द्वारा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन मिल रहा था और वही टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स है और वही सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है. उसी की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है. यदि टेंशन नहीं तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं, तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन नहीं. और ऐसी स्थिति में सर्कुलर मोशन भी नहीं. ऐसी स्थिति में जो वेलोसिटी है, जैसी वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में वो ए को फेंका जाए. अब जरा सोचिए सी के बारे में. सी इस ऑब्जर्वर ए को देख रहा है. सबसे पहले जब तक रस्सी नहीं टूटी है, जब तक रस्सी इंटैक्ट है तब तक सी ए को कैसा देखेगा? ऑब्जर्वर सी वुड ऑब्जर्व ए एस स्टेशनरी. सी जो बिल्कुल
बिल्कुल ए के साथ साथ नहीं, एक ही तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, उसी के साथ साथ घूम रहा है। जिस तरह से ए ने रस्सी पकड़ रखी है, उसी तरह से सी ने भी रस्सी पकड़ रखी है, और दोनों साथ साथ में उस गेम को एंजॉय कर रहे हैं। सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना, दैट वुड बी अ ग्रेट फन, एंड बोथ ऑफ देम आर एंजॉयिंग द सेम फन, दोनों मजा ले रहे हैं उसी। सी ए को कैसा देखेगा? वो ए को बिल्कुल स्टेशनरी देखेगा, वो कहेगा कि मैं भी स्टेशनरी था, प्लेटफॉर्म के ऊपर रस्सी पकड़ रखी थी बस मैंने, और रस्सी पकड़ के मैं बिल्कुल स्टेशनरी था, और मेरे साथ साथ ए भी बिल्कुल स्थिर था, स्टेशनरी था, और हम दोनों ही उस सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। रस्सी टूटी, रस्सी के टूटने के बाद सी ए को कैसे गिरते हुए देखेगा? क्या आपने से कोई इसी समय सोचकर मुझे बताएगा? When C observe how would be the motion of A when the rope breaks, जैसे ही रस्सी टूटेगी, C A को किस तरह से टिकाते हुए, किस तरह से गिरते हुए देखेगा, किस तरह से वह इस एक्सीडेंट को देखेगा? Interestingly, C A को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बिताते हुए देखेगा, वह ए को इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से गिरते हुए देखेगा। नाउ अब सी इस पूरी सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करेगा? सी यह कहेगा, मैं उस सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और वह सर्कुलर प्लेटफॉर्म बड़ी तेजी से घूम रहा था। उस तेजी से घूमते हुए सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है, मैं बाहर की तरफ फिका रहा हूं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। यदि मैं रस्सी को नहीं पकड़ता तो मैं भी फिका जाता। When I was in circular motion, there was something that was making me unstable. I was experiencing some sort of force in radially outward direction. मैं radially outward direction में कोई force experience कर रहा था, और यदि मैंने रस्सी नहीं पकड़ी होती तो मैं स्वयं भी उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हो पाता, मैं उस प्लेटफॉर्म पर गिरता, और मैं भी शायद उसी तरह से गिरता जिस तरह से ए गिरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ मैं फिका रहा, और उसे उस चीज से बचने के लिए मैंने टाइटली रस्सी पकड़ रखी थी। सी कहेगा कि जिस तरह से मुझे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स महसूस हो रहा था, उसी तरह से ए को भी डेफिनेटली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। जब मैं सर्कुलर मोशन में होता हूं और मेरे साथ ए भी जब सर्कुलर मोशन में होता है, तो हम दोनों पर ही किसी तरह का कोई फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। यह फोर्स हमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच लेगा और हमें गिरा देगा। यदि हमने रस्सी नहीं पकड़ रखी हो, हम रस्सी को पकड़ लेते हैं और रस्सी का जो टेंशन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वह इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, और इन दोनों फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो जाने से हम
फिर स्टेशनरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर घूम पाते। डेफिनेटली ए के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन रही होगी, मगर जैसे ही रस्सी टूट गई, इस रस्सी के टूट जाने से द रेडियल इनवर्ड फोर्स ड्यू टू दैट रोप, द टेंशन दैट वैनिशेस, और जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली इनवर्ड फोर्स दैट डिसअपियर्स, वैसे ही इस रेडियली आउटवर्ड फोर्स की वजह से यह ए बाहर की तरफ फेंका गया। यह जो ए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकाया, इट्स ड्यू टू दिस फोर्स। यह जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिखाई दे रहा है, यह फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम सी को दिखाई देगा। फॉर रेफरेंस फ्रेम सी जो कि नॉन इनर्शियल है, इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम सी में यह जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ है, दिस फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यह जो फोर्स है, दिस इज टर्म्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एमवी स्क्वायर आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी इंटू ओमेगा। और यह जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है टी, दिस इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। This centrifugal force is always equal to this centripetal force. For uniform circular motion, for uniform circular motion. हम कहते हैं कि यह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यह सिर्फ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ द सर्कुलर मोशन इटसेल्फ। जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसी बॉडी पर कोई ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ हमेशा होल्ड करते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ हमेशा होल्ड करते हैं, मगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ सीधा सीधा कभी भी होल्ड नहीं करते। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए वी नीड टू कंसेप्चुलाइज स्यूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ वी नीड टू कंसेप्चुलाइज स्यूडो फोर्स। हम स्यूडो फोर्स को कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं, मैं वहां समझाता हूं। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम सी है, दिस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम सी इटसेल्फ इज एक्सीलरेटेड इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। Its acceleration in radially inward direction is v square by r or omega square r or v omega. अब हम कहते हैं
रेफरेंस फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले उसके ऊपर हम एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे। जब ऑब्जर्वर सी ऑब्जर्वर ए को देखेगा तो ऑब्जर्वर ए के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। स्यूडो फोर्स कैसे लगाई जाती है? स्यूडो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यदि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाई जाएगी। एंड दैट स्यूडो फोर्स एफ वुड बी मास ऑफ दिस बॉडी जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। दिस इज स्यूडो फोर्स। इट्स ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसका जो भी कुछ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और यह स्यूडो फोर्स इट्स ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर है? द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास। ए को यदि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए का मास, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसका एक्सीलरेशन, जो ऑब्जर्वर है, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसका एक्सीलरेशन, इनटू ए आर। इसी स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये जो स्यूडो फोर्स है, इसी स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सीलरेशन। हम कहते हैं दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज applied in a radially outward direction and it always comes into picture when the object is being observed through a non-inertial reference frame of circular motion itself. ध्यान रहे, observer B के respect में कभी भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कभी बातचीत नहीं करते हैं। इसमें कोई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। ऑब्जर्वर बी के लिए, जो कि एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, जो कि एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है, इस ऑब्जर्वर के लिए ए सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करते हुए उसके ऊपर रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। इस वजह से रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सिर्फ रे ही और कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वर बी ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, ऑब्जर्वर बी ए का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनाएगा। वह कहेगा कि ए का रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन है और रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज टेंशन। बस, नथिंग बिसाइड इट। दिस इज इन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी एक एक्सीलरेटेड बॉडी होती है, उसका एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो भी कुछ एन
एनालिसिस कराया है वह सब कुछ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही कराया है। अब जो मैं एक और सर्कुलर मोशन का जो एनालिसिस करने के लिए बोल रहा हूं, दैट इज थ्रू दिस ऑब्जर्वर सी, एक दूसरा पार्टिकल जो उसी सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर है उसी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस ऑब्जर्वर सी इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन अलॉन्ग विथ ए, ए के साथ ये भी सर्कुलर मोशन में ही है। Hence, it's constantly accelerated in radially inward direction along with A. A के साथ में यह भी constantly radially inward direction में accelerated है. And this would be called a non-inertial reference frame. क्योंकि यदि कोई सी भी reference frame accelerated होती है तो वो non-inertial reference frame कहलाती है। फिर इस चीज को दोबारा बड़े ध्यान से सोचिए कि सी ए को सबसे पहले तो बिल्कुल स्थिर स्टेशनरी देखेगा, वो देखेगा कि मैं भी घूम रहा था, ए भी घूम रहा था, हम दोनों साथ साथ में घूम रहे थे और मुझे ए बिल्कुल रेस्ट पर दिखाई दे रहा था। आप स्वयं इमेजिन कीजिए जब आप इस तरह से कहीं घूमेंगे और आपके साथ में कोई दूसरा पर्सन घूमेगा तो आपको बिल्कुल स्थिर दिखाई देगा। जैसे इस समय अर्थ के साथ साथ आप भी घूम रहे हो और मैं भी घूम रहा हूं, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस के अबाउट और आप भी घूम रहे हो और मैं भी घूम रहा हूं, आपके बगल वाला भी घूम रहा है। अब आप जरा सोचिए, आप अपने बगल वाले को जो ऑब्जर्व कर रहे हो बिल्कुल स्टेशनरी, आप भी बैठे हो, बैठे हम दोनों बैठे, दोनों बॉडी अभी सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व कर रही है, सर्कुलर मोशन में है तो दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो दोनों रेस्ट पर ही देखेंगे। अब जब इसकी रस्सी टूट जाती है तो सी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तो कैसे गिरता हुआ दिखेगा, इस बात को समझो। ए के रेस्पेक्ट में तो हॉरिजॉन्टली और टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेगा, और सी के रेस्पेक्ट में रेडियली आउटवर्ड फेंकाएगा। अब ये रेडियली आउटवर्ड यदि फिकाया तो रेडियली आउटवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट रेडियली आउटवर्ड फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, दिस इज इन फैक्ट अ स्यूडो फोर्स, यह स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस करते हैं, सिडो फोर्स का कंसेप्ट तब इंट्रोड्यूस करा जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखते। सिडो फोर्स हमेशा अपोजिट टू एक्सीलरेशन लगाई जाती है, इसकी वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ दैट बॉडी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस, यह सिडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है तब तक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और बॉडी स्टेशनरी है, मगर जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म होता है, रस्सी टूटती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रेडियली आउटवर्ड फेंका जाता है।